नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपको वर्डप्रेस पर वेबसाइट डिजाइन करना कस्टमाइज तरीके से सिखाता हूं इस चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक डोमेन को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यक चीज़ है वो है डोमेन। आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का, आपके इंस्टीट्यूशन का या फिर आपके पोर्टफोलियो का एक डोमेन जरूर होना चाहिए। आइए सीखते हैं कि कैसे डोमेन को परचेज करना होता है। ये मेरा स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस पे मेरा एक पैनल खुला हुआ है होस्टिंगर का। आप चाहें तो डोमेन को बिगरॉक, गोडैडी या फिर होस्टिंगर या फिर अन्य प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। मैं आपको सुझाव यही दूंगा कि आप जहां से होस्टिंग परचेस करते हैं वहीं से अपने डोमेन को परचेस करें, तो आपको ज़्यादा लफड़ा नहीं पालना होगा। अदरवाइज आपको नेम सर्वर अपडेट करना होता है, आपको फिर दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि नेम सर्वर को कैसे अपडेट किया जाता है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस करें। परचेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसी में अपना डोमेन भी परचेस करें। कई बार होस्टिंगर का बड़ा प्लान लेने पर आपको डोमेन फ्री में मिल जाता है, बट यहाँ पर मैं किसी क्लाइंट के लिए यह प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनका डोमेन जो है परचेस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म में डोमेन्स में जा रहा हूँ और यहाँ पर गेट अ न्यू डोमेन और यहाँ मैं सर्च करता हूँ। मुझे .org डोमेन चाहिए। मैं आपको बता दूं कि .org डोमेन जो होता है वो अक्सर हम किसी इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रस्ट या फिर NGO वगैरह के लिए लेते हैं, ताकि हमारा जो रेफरेंस है वो .org ऑर्गेनाइजेशन में ही जाए और हमारा डोमेन जो है उस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो मेरा ये डोमेन ये जो है ये मुझे मिल जा रहा है। मैं बाय डोमेन करता हूँ और यहाँ पर एक साल के लिए ले रहा हूँ मैं इस डोमेन को। ओके करूँगा यहाँ से और यहाँ मैं अपना UPI ID डाल देता हूँ। आप भी चाहें तो UPI से परचेज कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है इसलिए यहाँ पर UPI ID आ गया। कंटिन्यू और यहाँ मैं कर देता हूँ शो QR कोड। अब मैं QR कोड को पेमेंट करके इसको रफा दफा करता हूँ और ये मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, मेरा डोमेन जो है मैंने परचेज कर लिया। अब डोमेन को जो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना है, अपना ईमेल अप्रूव करके मैं आपको सिखा देता हूँ कि यहाँ पर कैसे अपने डोमेन को अप्रूव करना है। अब यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट प्राइमरी डिटेल्स, यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल आपको सेट करना है और यहाँ पर डेटा फिल करने के बाद फिनिश रजिस्ट्रेशन। डोमेन रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कंटिन्यू किया मैंने और हमारे पास एक मेल आया है वेरिफिकेशन के लिए। इस मेल पर क्लिक करना है आपको लिंक पर और यहाँ आ रहा है योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, थैंक यू। अब यहाँ पर आप चेक करते हैं रिफ्रेश करके और हमारा डोमेन जो है एक्टिव हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। अब हम इस पे ऊपर वेबसाइट को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपको यदि इसका अगला वीडियो देखना है तो ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने बताया है कि इसको मैंने कैसे होस्टिंग से कनेक्ट किया और इस पर कैसे वेबसाइट को मैंने बनाया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सीखने को मिला होगा कि डोमेन को कैसे परचेज करते हैं। यदि वीडियो से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं और यदि ऐसे ही वेबसाइट के बारे में सीखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलेंगे नए वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।